अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एमएस ऑफिस 365 का पार्ट 4 आज आप दोस्तों के लिए लेकर आ गया हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे रीडिंग कमांड। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि विकास भाई, आप तो अभी जो चीज़ें बता रहे थे उनको पूरा करें। तो अब क्योंकि जो चीज़ें आगे मैंने बतानी है, तो उसके लिए स्पेशल आप दोस्तों को पहले उन कमांड की आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो आगे चीज़ें वो चलेंगी। ठीक है, तभी आपको समझ आएंगी। तो आज हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, शॉर्ट कमांड से या लंबे जो है ना, वो उसका एक बहुत बड़ा एक तरीका होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, वो हम स्पेशल उस पर क्लास अलग से करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हमारा टॉपिक है रीडिंग कमांड। ठीक है, करैक्टर, वर्ड, पैराग्राफ, लाइन, सेंटेंस, इस पर अब हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। यूट्यूब के अबाउट में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलें आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं ओपन करता हूं एमएस ऑफिस 365 को, बल्कि मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये देखें फ्रेंड्स, मेरे पास हो चुका है, ये पहले से ऑलरेडी ये ओपन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड जो है वो स्लो कर लेता हूँ। Faster, slower, slower, slower. ठीक है। This one in which executive and legislature are. जी, तो आप देखें फ्रेंड्स, जब आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आने के लिए इसके लिए कमांड है, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट की बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आने के लिए कमांड है कंट्रोल होम, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और होम प्रेस करेंगे। टॉप ऑफ फाइल डेफिनेशंस, ठीक है, ये आप लोगों ने सुना टॉप ऑफ फाइल। अब हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ चुके हैं। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट के एंड में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एंड की। ठीक है, एंड वाली जो की होती है, ठीक है, कंट्रोल को प्रेस कर करके रखेंगे और एंड प्रेस करेंगे। पेज टू, बॉटम ऑफ फाइल, लैंड। ठीक है, अब बिल्कुल हम डॉक्यूमेंट के एंड पे आ चुके हैं। दोबारा से हम चलते हैं कंट्रोल होम प्रेस करके डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में। पेज वन, टॉप ऑफ फाइल डेफिनेशंस। ठीक है, ये होगी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट और एंड पे जाने के लिए कमांड। अब हम बात करते हैं करैक्टर बाय करैक्टर नेविगेशन करने है। हमने एक एक करैक्टर पढ़ना है, रीड करना है डॉक्यूमेंट का एमएस ऑफिस 365 के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वो कमांड यूज करने से पहले जारी सी बात है, हम करैक्टर बाय करैक्टर तब भी रीड कर पाएंगे जब हम लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पे होंगे। तो लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाने के लिए आप सिंपल होम की प्रेस करेंगे और लैंड के एंड पे जाने के लिए आप एंड की प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोई भी आपने अदर की प्रेस नहीं करनी, आपने सिंपल होम की प्रेस करनी है, बस सिंगल होम। ठीक है, तो मैंने होम की प्रेस की तो मैं लैंड के जो लाइन की स्टार्ट में आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम करैक्टर को इस पैरा जो है डॉक्यूमेंट्स को करैक्टर बाई करैक्टर रीड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट करैक्टर के लिए राइट एरो सिंगल और पिछले करैक्टर के लिए लेफ्ट एरो। अब मैं यहां पर राइट एरो करता हूं, ई एफ एफ आई, देखो ये मैं राइट एरो कर रहा हूं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करैक्टर पढ़ रहा है। अगर मैं किसी पिछले करैक्टर पर जाना चाहता हूं तो मैं यहां पर लेफ्ट एरो करूंगा, आई एफ ई डी। ठीक है, तो ये होगा करैक्टर। अब हम बात करते हैं, चलो मैं जरा डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चला जाता हूं। होम एंड लैंड होम डी। ठीक है, बिल्कुल मैं स्टार्ट में आ चुका हूं। ठीक है, लैंड के स्टार्ट में।
अब हमने करना है वर्ड बाई वर्ड पढ़ना है इस डॉक्यूमेंट को, वर्ड बाई वर्ड पढ़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम सिंपल राइट एरो और लेफ्ट एरो कर रहे थे, उसमें वो करेक्टर रीड कर रहा था, सिर्फ एक ही करेक्टर, ठीक है। अब भी आपने वही करना है वर्ड बाई वर्ड को रीड करने के लिए, लेकिन इसके साथ हम कंट्रोल का इजाफा करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, और साथ नेक्स्ट वर्ड्स के लिए जो है आप राइट एरो करेंगे, और पिछले वर्ड्स पे जाने के लिए कंट्रोल, ओ सॉरी, नेक्स्ट वर्ड्स के लिए कंट्रोल राइट एरो, पिछले वर्ड्स के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ और राइट एरो को प्रेस, राइट एरो को, राइट एरो वाली जो की है उसको प्रेस करता हूँ। ये क्योंकि न्यू लाइन इसलिए पढ़ रहा है ब्लैंक, स्टार्ट एंटरिंग लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल राइट एरो करता हूँ, फिर पार्लियामेंट्री, ये देखो वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहा है, फॉर्म, फॉरम, ऑफ, ऑफ, गॉट, कोलन, स्टार। अगर मैं पिछला वर्ड्स पढ़ना चाहता हूँ तो कंट्रोल लेफ्ट एरो, गॉट, ऑफ, फॉर्म, पार्लियामेंट्री, स्टार, ब्लैंक, एग्जिट लिस्ट, ठीक है। ये हो गया वर्ड। अब हम बात करते हैं, पहले मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चला जाता हूँ, टॉप ऑफ फाइल, डेफिनेशंस, ठीक है, होम। अब बात करते हैं हम लाइन पे, लाइन को कैसे रीड करना है एमएस ऑफिस 365 के अंदर। उसके लिए आपको सिंपल डाउन एरो करोगे, नेक्स्ट लाइन अप एरो करोगे, तो पिछली जो जो, जो लाइन होगी वो रीड करेगा। अब मैं सिंपल यहाँ पे डाउन एरो करता हूँ, बुलेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गॉट, एंटरिंग लिस्ट, फिर मैं डाउन एरो करता हूँ, दिस इज वन इन व्हिच एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर स्ट्रक्चरली हार्मोनियस, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। अब मैं अप एरो करता हूँ पिछली लाइन पे जाने के लिए, बुलेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गॉट, एंटरिंग लिस्ट, डेफिनेशंस, एग्जिट लिस्ट, डेफिनेशंस, ठीक है। अब मैं स्टार्ट में आ चुका हूँ, ये हो गए लाइन। अब बात करते हैं सेंटेंस की, अतः यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप दोस्तों को बता दूँ, जो सेंटेंस वाले जो कमांड है वो, क्योंकि मैं जॉस 2025 यूज़ कर रहा हूँ, एक और दोस्त भी वहाँ भी हमने ट्राई किया है, ये वाली कमांड जॉस के अंदर यूज़ नहीं हो रही है फिलहाल, शायद नेक्स्ट अपडेट के अंदर यह बग फिक्स किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कमांड एनवीडिया के अंदर ये यूज़ हो रही है, लेकिन जॉस के अंदर ये वाली कमांड सेम टू सेम एनवीडिया के अंदर भी यही होंगी जो बता रहा हूँ, और जॉस के अंदर भी यही होगी। बस सेंटेंस वाले जो कमांड है फिलहाल ये जॉस के साथ रीड नहीं कर रहा, काम नहीं कर रही, लेकिन एनवीडिया के अंदर काम कर रही है। सेंटेंस को रीड करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट की को दबा के प्रेस कर रखेंगे और डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है। पिछले सेंटेंस पे जाने के लिए ऑल्ट प्लस अप एरो, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे ऑल्ट को प्रेस करके रखूँ, डाउन एरो करता हूँ, ऑल्ट डाउन एरो, एंटरिंग लिस्ट, ऑल्ट डाउन एरो, एग्जिट लिस्ट, ऑल्ट डाउन एरो, ऑल्ट डाउन एरो, एंटरिंग लिस्ट, ये यहाँ पे ऑल्ट अप एरो, एग्जिट लिस्ट, ऑल्ट अप एरो, नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस वाले जो कमांड है ये यहाँ जॉस के साथ काम नहीं कर रही, मैं फिलहाल जॉस यूज कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। लेकिन मैंने कमांड आपको बता दी है, एनवीडिया के साथ ये कमांड काम कर रही है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ को रीड करने के लिए पहले मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चला जाता हूँ, टॉप ऑफ फाइल, डेफिनेशंस, ठीक है। तो पैराग्राफ को रीड करने के लिए आप कंट्रोल डाउन एरो करोगे, कंट्रोल को प्रेस करके डाउन एरो करोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, बुलेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गॉट, एंटरिंग लिस्ट, ये देखा आप दोस्तों ने, कंट्रोल को प्रेस करके रखा और मैंने डाउन एरो की को प्रेस किया तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आप पिछला पैराग्राफ पढ़ना है तो वो कंट्रोल के साथ अप एरो, मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा हुआ है और मैं अप एरो करता हूँ, डेफिनेशंस, एग्जिट लिस्ट, तो ये है टोटल रीडिंग कमांड। वीडियो कैसे लगी है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप दोस्त जो है मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।